ब्लड टेस्ट के थ्रू होती है और प्लस वो ट्रीट करने के लिए सबसे पहले है कि वो डिपेंड करते हैं कि ड्रग्स कैसा ले रहा है। पुलिस की जानिब से ये ड्रग एडिक्शन सेंटर का जो कंसेप्ट है ये डिस्ट्रिक्ट में बहुत पहले से फंक्शन कर रहा है, बट आई एम थैंकफुल टू द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पर्टिकुलरली डिप्टी कमिश्नर पुंछ, हु हैज प्रोवाइडेड अस अ स्पेस इन डिस्ट्रिक्ट पुलिस हॉस्पिटल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, जिन्होंने हमें जगह प्रोवाइड की। और जैसा कि मैंने पहले भी आप लोगों से कहा कि लोगों को अब जो पकड़ा जा रहा है, एक प्यूनिटी मेजर लिया जा रहा है, सजा दी जा रही है, लोगों को पकड़ा जा रहा है, अब उसके बाद में ड्रग की सप्लाई कम होने के सूरत में जो इस ड्रग में मुलविस हो चुके हैं, जो इसके शिकार हो चुके हैं, उनको ज़रूरत पड़ती है, कहीं ना कहीं उनको क्रेविंग होगी, वो और कुछ जराइम करने की कोशिश करेंगे, कहीं और मुड़ने की कोशिश करेंगे। तो मैं मीडिया की तरफ से अपील करता हूँ कि हम उनके नंबर्स, डॉक्टर्स जो हमारे पास अवेलेबल हैं उनके नंबर्स हम शेयर करेंगे, जो कुछ भी हम कोई भी हमसे बात करेंगे उनकी आइडेंटिटी जो हम सीक्रेट रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे अगर वो चाहते हैं, सीरियसली अगर चाहते हैं इस नशे से बाहर निकले, इस नशे से जो है वो मुक्ति पाएँ या तो उसे छुटकारा मिलने की वो अगर कोशिश करें तो हम उनके साथ हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस का एक हेल्पिंग हैंड है ये, हमारा ये एफर्ट है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करके इसे बाहर निकालने की कोशिश करें। एक जो ऑलरेडी लोग इसमें वो एडिक्ट हो गए हैं तो उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए हमें इस ड्रग एडिक्शन सेंटर की काफ़ी ज़रूरत थी, क्योंकि पुलिस ने आज इनिशिएटिव ले लिया तो यहाँ से आज हमने इसको इनॉग्रेट करा। तो लेकिन इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो ये है कि हमें एक मैसेज लोगों तक पहुंचाना चाहिए, सोसाइटी के ज़रिए से, मीडिया के ज़रिए से, अपने स्कूल के बच्चे हैं जो उनके ज़रिए से उनको इसमें इन्वॉल्व करके कि ये जो ड्रग्स की एडिक्शन है ये बहुत बड़ी लानत है और मनहस है, तो वी विल हैव टू सेव आवर चिल्ड्रन फ्रॉम फॉलिंग इन दिस ट्रैप।